हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग दो साइंस में हम बायोलॉजी के कोशिका वाले टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में उसके प्रैक्टिस सेट यहां पर लगा रहे थे। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपको क्रमबद्ध रूप से थ्योरी करवाई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन यहां पर हम करवा रहे थे। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा। इससे पहले हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन हमने इस तरीके से डाले हैं, जैसे सबसे पहले कोशिका पर बनने वाले बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, कि कोशिका से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके विभिन्न तरह के जो कोशिकांग होते हैं, जैसे राइबोसोम है, तो राइबोसोम पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये सारे करवाए। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है, तो सारे कोशिकांग करवा दिए। इसके बाद आपका जो क्रमबद्ध रूप में ही, जैसे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत है, इस पर क्वेश्चन, और जो कुछ भी थ्योरी में छूट जाता है तो वो हम यहाँ पर लेकर के आते हैं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। थ्योरी तो आपको करवाई ही है, ठीक है, लेकिन कुछ नए क्वेश्चन यदि हमें देखने को मिलते हैं कहीं तो वो भी हम यहाँ पर डालते हैं। तो आप इन थ्योरी क्वेश्चन के माध्यम से अपना रिविजन भी कर सकते हैं यदि आपने थ्योरी पढ़ ली है, और जो नई चीज़ें यहाँ पर देखने को आती हैं तो वो भी आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे, उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो 4 के 4 जरूर देखें, क्योंकि यहाँ केवल हम 10 क्वेश्चन जरूर लाते हैं, लेकिन इन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से आपके लगभग 50 से 100 क्वेश्चन तक क्लियर करवाते हैं, ठीक है। पूरा एनालिसिस आपको देने का प्रयत्न करते हैं ताकि इसके इर्द गिर्द भी यदि क्वेश्चन बन जाए तो आप उसका आंसर लगा पाएँ। तो इससे पहले हमारे 4 प्रैक्टिस सेटों में 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और उनका पूरा एनालिसिस आपको दिया है। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर रहेगा 41 से शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें हम जो आपकी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और अदर चीज़ें भी आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता यूकैरियोटिक की नहीं है। तो आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया हुआ है थ्योरी वाली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है 4 जो विशेषताएं दी गई हैं, इनमें हमें बताना है कि इन 4 में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। तो जब आपको पता होगा कि यूकैरियोटिक कोशिकाएँ क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ क्या कहलाती हैं, और ये आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि जब अभी आप आगे चलकर वर्गीकरण पढ़ेंगे, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, उसमें आपको पढ़ना है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, ठीक है, कवक जगत, एनिमेलिया जगत वगैरह। तो यहाँ पर आपको बार बार देखने को मिलेगा कि मोनेरा जगत में आपके प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो आप जब जाने रहेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, तो आसानी से आप आंसर लगा पाएंगे। तो यहाँ बताइए आप इन क्वेश्चनों के आंसर लगाते चलेंगे और अंत में हमें बताएंगे कमेंट्स में कि आपने इन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से कितने सही किए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है, मतलब ये यूकैरियोटिक की विशेषता नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये गलत दिया गया है, मतलब ये हमें नहीं में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर डी रहेगा, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली मौजूद होती है, मतलब ये तीनों के तीन आपकी इसकी विशेषताएँ हैं, लेकिन आपकी जो चौथी विशेषता है वो इसकी नहीं है। अब देखिए, हम आपको बता दें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे, इनमें केंद्रक कला नहीं होती, पहला फैक्ट याद रखेंगे। केंद्रक कला अर्थात जो कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वो प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं पाई जाती है। और जो प्रोकैरियोटिक जीव अभी आगे पढ़ के जगत प्रणाली आप पढ़ेंगे तो देखेंगे मोनेरा जगत में जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ही होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है इसमें जो कोशिकांग वगैरह होते हैं वो भी अनुपस्थित होते हैं, केंद्रक कला नहीं होती है, इसमें केंद्र की पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा रहता है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, उसके स्थान पर हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए के धागे पाए जाते हैं। ऐसी कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होगा, गाल्जी बॉडी का अभाव होगा आदि। ये कोशिकाएं अर्थात वास्तविक केंद्रक रहित होती हैं, मतलब इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नील हरित शैवाल जिसे एलगी कहते हैं, ठीक है, माइकोप्लाज्मा और जीवाणुओं में पाई जाती है।
तो ये आपकी जो है प्रोकैरियोटिक में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक। यू मतलब जैसे मानव, तो मानव पूछ ले कि क्या है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक है। और इसमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक भी होगा, केंद्रक कला होगी, केंद्रिका युक्त पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें गाल्जी उपकरण होगा, सेंट्रोसोम वगैरह पाए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार की कोशिका में गुणसूत्रों में डीएनए और हिस्टोन से बनी हुई इकाई न्यूक्लियोसोम पाई जाती है। वास्तविक केंद्रक वाली यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिकांशतः शैवाल, उच्च पादप और जंतुओं में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इनमें बेसिक अंतर। अब यहाँ पर ये अंतर दिए गए हैं, तो आपको ये थ्योरी में भी बता चुके थे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, इनमें से किस कारण से ये भिन्न है? तो अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, बिल्कुल इसी कारण से ये भिन्न है। यहाँ पर है प्रोटीन का जुड़ाव होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर फ्लैजिला की 9+2 की संरचना और क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं इनमें अस्पष्ट जो झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक में ये पाई जाती है, तो इनमें अंतर बताता है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यूकैरियोटिक में आपकी जो है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं ये पाई जाती है, और आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। तो जो यूकैरियोटिक में आपकी प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, फास्फोलिपिड की। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव क्या है? तो यहाँ पर जो ज्ञात कर चुके हैं सबसे छोटा, ठीक है, अज्ञात का तो पता नहीं, लेकिन जो सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो माइकोप्लाज्मा है केवल क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक जीव है, और ये चारों ही ऑप्शन रहेंगे तो माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है इसकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये एक कोशिकीय जीव है और ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोटिक है, और अभी अभी आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों का अभाव होता है, इसके अलावा इसमें सुस्पष्ट केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है, और इसकी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका यदि पूछता है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो फिर आपको लगाना है शुक्राणु। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, और यह एक नर जनन अंग होता है। सबसे लंबी कोशिका पूछ लें, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन हमने लिए हैं, सबसे लंबी, सबसे बड़ी आदि। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका तो वो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आपको न्यूरॉन देखने को मिल जाएगा, ये याद रखेंगे, ये सबसे लंबी है। ठीक है, तो लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। अब इसके बारे में बता दें आपको, मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स जिन्हें तंत्रिका कोशिका या नर्वस सेल कहते हैं ये होती है। ठीक है, तो मनुष्य की बात की गई है कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, अब जो तंत्रिका तंत्र है इसकी जो कोशिकाएं हैं वो 3 फीट तक लंबी हो सकती हैं। जब हमने कल थ्योरी वाली क्लास में आपको जंतु ऊतक बताया था, तो उसमें एक ऊतक हमारा तंत्रिका ऊतक था, तो उसमें भी हमने ये चीज़ें बताई हुई थी। अब जो आपका तंत्रिका ऊतक होता, सॉरी तंत्रिका कोशिका होती है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई मानी जाती है। एक विशिष्ट न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका में एक सेल मॉर्फोलॉजी होता है जिसे सोमा कहते हैं। इनके बाल जैसी संरचना होती है जिन्हें डेंड्राइट्स और अक्षतंतु कहा जाता है। न्यूरॉन्स पूरे शरीर में दिमाग के जरिए ज्ञान यानी नॉलेज पहुंचाने में सक्षम होते हैं। न्यूरॉन्स में भी विशेषतः मोटर न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। तो वैसे तो न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, और इसकी भी यदि पूछ ले कि न्यूरॉन्स में विशेषतः सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो मोटर न्यूरॉन है। महिलाओं के शरीर में मानव अंडाणु, जो कि एक अपवाद है, वास्तव में शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो इतने फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 47।
महिला शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो बड़ी की बात करता है तो आपको अंडाणु लगाना है, ठीक है। मानव शरीर की पूछा है महिला शरीर की, ठीक है, तो अंडाणु होता है। जबकि केवल ये पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो फिर आपको शुतुरमुर्ग का अंडा लगाना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया, मानव अंडाणु ह्यूमन एग या अंड कोशिका, जो कि एक अपवाद है, वास्तव में शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और इसे बिना सूक्ष्मदर्शी के देखा जा सकता है। अन्य मानव कोशिकाओं की तुलना में अंडे की कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं। वे व्यास में 100 माइक्रोन है, जो कि 1 मीटर का 10 लाखवा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। तो अभी आप जब वर्गीकरण की प्रणाली पढ़ेंगे, द्वि जगत से लेकर के आपको सारी डिटेल से प्रणालियाँ बताएंगे। अब क्या होता है कि द्वि जगत पद्धति बताने के बाद लोग डायरेक्टली 5 जगत पद्धति बता देते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि द्वि जगत के बाद आपकी 3 जगत प्रणाली आई होगी, 3 के बाद आपकी 4 जगत प्रणाली आई होगी, फिर इनमें कुछ कमियां रही होंगी तभी तो ये आगे बढ़ती गई, वरना यहीं पर क्लियर कर देते, ठीक है। तो इसमें कुछ कमी रही तो 3 जगत पद्धति आई, 3 जगत पद्धति में कुछ कमी रही होगी तो 4 जगत पद्धति आई, 4 जगत में कुछ कमी रही होगी तो 5 जगत पद्धति आई, और फिर जो 5 जगत पद्धति वर्तमान में प्रचलित थे, इसका अध्ययन हम बिल्कुल बारीकी से करेंगे, क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपके मोनेरा जगत में पाई जाती हैं, आप अभी ये बस याद रखेंगे, ठीक है, फिर मोनेरा जगत आपको विस्तार से बताएंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 49 है, वे कोशिकाएं जिनमें अजैव पदार्थ या व्यर्थ उत्पाद का संचय होता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है इडियोब्लास्ट। ये कुछ नए क्वेश्चन हैं, इनको डायरेक्टली आपको याद रख लेना है। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निष्क्रिय परिवहन क्या कहलाता है। तो इसके हमने ऑप्शन नहीं लिए हैं, बस आपको याद रखना है निष्क्रिय परिवहन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जब अणु ऊर्जा की सहायता के बिना जीवन की इकाई कोशिका की झिल्लियों से गुजरते हैं, मतलब ऊर्जा की सहायता नहीं होती, बिना ऊर्जा के ही जीवन की इकाई कोशिका की झिल्लियों से गुजरते हैं, तो इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। और सक्रिय परिवहन क्या होता है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो आपका सक्रिय परिवहन है, यह तब होता है जब अणुओं को कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और एक क्वेश्चन हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी शायद करवाया था इससे, कि जब अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो क्या कहलाता है, तो सक्रिय परिवहन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेसिंग चलती है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगले प्रैक्टिस सेट में जो आपकी थ्योरी के हिसाब से चैप्टर रहेगा उसके क्वेश्चन हम करवाएंगे। शायद इसके बाद हमने आपको विभाजन करवाए हुए हैं, ठीक है, सेल डिवीजन, सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करके अर्धसूत्री विभाजन, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला प्रैक्टिस सेट उसी पर रख लेंगे, और आपकी जो थ्योरी वाली क्लासें हैं वो भी स्टार्टेड हैं, तो शाम के टाइम में उसको हम अपलोड कर देते हैं, तो हमारी थ्योरी वाली क्लास भी आप देख सकते हैं। उसकी भी हमने बिल्कुल अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, सारी चीज़ें बिल्कुल A to Z आपको करवा रहे थे। पहले हमारी कोशिका पूरी कंप्लीट हो गई थी सजीव जगत में, इसके बाद जो कोशिका के समूह होते हैं ऊतक कहलाते हैं, तो ऊतक वाला टॉपिक जो है वो भी हमें पढ़ना होता है सजीव जगत में। इसके बाद ऊतक हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके थे, और पादप ऊतक और जंतु ऊतक दोनों का अलग अलग अध्ययन करना होता है, तो दोनों ही आपको बता रखे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी, तो वो टॉपिक के हिसाब से जो भी आपका टॉपिक दिया गया होगा उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।